दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों को सेल्फ ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज पावर। पावर क्या होती है, जो हम लोगों को बहुत पहले से क्या है ये पावर की मतलब समझते हैं क्या, कि दो जू है वे मोर पावर, दो जू है मोर वर्क, दो जू डू द मोर वर्क, जो जितना पावरफुल होगा उतना वर्क करेगा, ऐसा हम लोग को ये पता है। जैसे हम बात करते हैं पावर का मतलब, हम लोग को दोस्तों के बीच में भी होता है कि कौन सा दोस्त कितना पावरफुल है, ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सब हम बात करने वाले हैं कि पावर का मीनिंग क्या होती है और पावर होती क्या है, ये देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से शुरू करना चाहते हैं पावर क्या होती है। मान लेते दो दोस्त, दो आदमी है, दो मैन है, दो पर्सन है, ए और बी, दोनों को सेम वर्क करना है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, और दोनों को क्या है, एक यही वर्क को करने में 6 सेकेंड लगा रहे हैं, और बी यही वर्क को करने में, सेम वर्क को करने में कितना 8 सेकेंड लगा रहे हैं। तो आप बताइए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, ए है कि बी है। तो आप बताइएगा कि ए है, ए इज मोर पावरफुल देन बी। यही बताइएगा कि ए कितना है, ए का पावर ज़्यादा है बी से। समझ रहे हैं भाई? तो क्यों आप, तो इससे क्या है क्वेश्चन निकलता है, क्या है कि पावर के मतलब, यहीं से एक मीनिंग निकलता है कि पावर क्या होती है। तब पावर के मतलब क्या होता है, वर्क डन कितना टाइम इंटरवल में कर रहा है। वर्क तो सब सेम कर रहा था लेकिन टाइम इंटरवल मैटर कर रहा था। तो क्या है, रेट ऑफ वर्क डन बताता है पावर, कितना है आप फास्ट कर रहे हैं उतना पावरफुल होंगे आप। तो कितना है, ये मैथमेटिकल टर्म है, क्या चाहिए, मैथमेटिकल टर्म है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटरवल। पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम इंटरवल, दैट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, यही होता है पावर। और पावर के बारे में जानते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल पावर क्या होते हैं ये समझते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर भी सेम होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बराबर भी क्या होते हैं, सेम होती है कि वर्क बाई टाइम, यही होती है पावर। दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं इसको, एनर्जी कंज्यूमशन, कितना कंज्यूम हो रहा है एनर्जी और बाई टाइम। समझ रहे हो, कितना टाइम में कितना एनर्जी होता है। वर्क क्या है, वर्क तो एक तरह का एनर्जी ही है यार, एनर्जी के कारण ही तो वर्क कर पाते हैं। जैसे हम कुछ खाते हैं तभी तो वर्क होता है, समझ रहे हो। तो पावर बराबर वर्क बाई टाइम। पावर को क्या चीज, हम यूनिट क्या होता है पावर का, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क का क्या होता है जूल, और टाइम को क्या होती है सेकेंड, एसआई। तो इसी को क्या है, एक टर्म दिया गया है वाट। एक साइंटिस्ट था, उन्हीं के नाम से, एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, जेम्स वाट। उन्हीं के ऑनर में क्या दिया गया, इनका एसआई यूनिट, दैट इज कॉल्ड वाट। और वाट को हम लोग सिंबल करते हैं सिंपली डब्ल्यू, सिंबॉलिक क्या है डब्ल्यू। तो ये क्या है, जेम्स वाट के द्वारा, जेम्स वाट के ऑनर में इनको दिया गया है, एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे इन्हीं का। तो ये जाने, वाट का यूज हम लोग को डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है यार, कि हर जगह यूज है वाट का। जैसे हम क्या है, बल्ब का यूज कर ले, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो कितना है, कोई बल्ब है 100 वाट की है, कोई आयरन है वो भी उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि कितना है, 400 वाट की है। तो इस तरह का कोई टीवी है, तो हर जगह ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव देयर वन पावर। तो क्या अलग अलग है, 100 वाट के मतलब क्या समझते हैं, तो 100 वाट मतलब क्या हुआ कि 100 जूल एनर्जी को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है 1 सेकेंड में। इसका मतलब क्या होता है, 100 जूल को, 100 जूल एनर्जी को 1 सेकेंड में खर्च कर रहा है, यही होता है पावर। समझ रहे हो भाई? तो पावर का मतलब ये चीज जानते हैं। और पावर और क्या, और पावर का और जैसे बात करते हैं, जैसे एक आदमी, हम लोग भी रेस्टलेस रहते हैं, तो क्या हर जगह एवरीडे लाइफ में भी आदमी खासी रेस्टलेस है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तब पर भी क्या है, आदमी लोग भी क्या है, 100 वाट एनर्जी को कंज्यूम करता है, 100 वाट एनर्जी को ही कंज्यूम करता है रेस्टलेस आदमी भी। कोई भी कोई हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, 150 से लेके 200 वाट तक एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो ये सब एवरीडे लाइफ में हम लोग को पावर की यूज होती है भाई। तो हम और अगले हम टॉपिक के बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी पर, कि पावर बराबर क्या होती है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ द मैन, फाइंड द पावर ऑफ द मैन हु पुशेस द बॉक्स।
8 मीटर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द 6 सेकंड। तो क्या होगा पावर ऑफ द मैन, क्या है भाई? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पावर ऑफ द मैन, तो यहाँ पे वर्क निकालना होगा। वर्क बराबर क्या पड़ता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया हुआ है कि आप 50 न्यूटन है और क्या है 6 सेकंड में, नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, कितना हो गया 120 जूल। निकालना है कि कितना पावर होगा मैन का जब वो बॉक्स को क्या है 8 मीटर को दूरी पर ले जाता है, तो कितना उसका पावर होगा उस आदमी का यार, उस पर्सन का क्या है यार, ये निकालना है अपन को। तो ये हो गया वर्क। अब कितना है, हम जानते हैं पावर बराबर क्या होती है भाई, वर्क बाय तो टाइम, तो वर्क तो 120 हो गए, टाइम क्या लग रहे हैं 6 सेकंड, तो 6 सेकंड हो गए तो कितना हो गया 6 × 2 = 20। तो ये गया 20 वाट भाई, 20 वाट क्या आ गया पावर ऑफ द मैन, क्या है पावर ऑफ द मैन कितना आ गया 20 वाट, समझ रहे हो। तो ये पावर था। और एक हम और चलते हैं कुछ अलग फॉर्मूला पे, तो हम पावर के बारे में क्या जाने, पावर बराबर होते है वर्क बाय टाइम। तो ये भी तो जानते हैं यार, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है वर्क डन बाय क्यू। तो यहां से हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, वी क्यू लिख सकते हैं। तो यहां से हम पुट करते हैं क्या, पावर की जगह, पावर की जगह क्या लिख सकते हैं, वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, वी क्यू बाय टी। और यहां से एक चीज तो और दिख रहा है यार, क्यू बाय टाइम चार्ज फ्लो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय टी को आई, समझ लिख सकते हैं ना, आई बराबर होता है क्या चीज, क्यू बाय टी। समझो, तो इसके जगह हम आई लिखते हैं। तो यहां से पावर का एक न्यू फॉर्मूला हम लोग को आया भाई, क्या आया फॉर्मूला, पावर बराबर क्या, बी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और आई क्या है भाई, करंट, करंट। तो पावर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द करंट, इससे भी हम क्या इसको हम यूज कर सकते हैं। यहां से क्या है और फॉर्मूला हम पावर का निकाल सकते हैं, जैसे पावर बराबर क्या है भाई, V इक्वल टू आई। तो हम बाई ओम्स लॉ क्या जानते हैं, बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो एक बार V के जगह आई आर पुट करते हैं, आई आर इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो ये क्या हो गया, पावर बराबर आई स्क्वायर आर। आई क्या है भाई, करेंट। आर क्या है, रेजिस्टेंस जिस सर्किट से जा रहा है। तो यहां से पावर बराबर आई स्क्वायर आर, ये आ गया। ये क्या है, आई क्या है करेंट को बताती है, और आर क्या है भाई रेजिस्टेंस। और क्या है, पावर बराबर बी बाई आई है। तो यहां से भी तो क्या है, ओम्स लॉ की जगह आई बराबर बी बाई आर। तो क्या करते हैं, एक बार आई बराबर बी बाई आर को भी पुट करते हैं। क्या करते हैं, पावर बराबर बी बाई आई होता है, तो क्या बी आई जगह क्या पुट कर सकते हैं, बी बाई आर बाई ओम्स लॉ। तो क्या आ गई बी, हाँ दोस्तों यहाँ से क्या है, आई बराबर हम क्या लिख सकते थे, बी बाई आर। तो बी बाई आर को पुट करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई आर। तो एक पावर का क्या है, न्यू फॉर्मूला मिल गया हमको, बी स्क्वायर बाई आर। बी क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, और आर क्या है रेजिस्टेंस। तो हमको तीन फॉर्मूला पावर का मिला है भाई, इसको हम क्या करेंगे, रट लो, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा यूज आएगा। पावर बराबर बी बाई आई, और क्या है पावर बराबर आई स्क्वायर आर, और पावर बराबर बी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये यूज करना ही होगा भाई, समझ रहे हो। जैसे हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है भाई, क्या है न्यूमेरिकल में, कि व्हाट विल द करेंट ड्रोन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वाट का है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो क्या होगा, दिया हुआ है कि क्या निकालना है, 40 वाट का बल्ब है, हमको करेंट निकालना है कि क्या होगा जब उसमें 220 वोल्ट दिया हुआ भाई, यही क्वेश्चन है। तो हमको यही निकालना है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, और क्या है आई निकालना है कितना जाएगा, और क्या दिया हुआ था भाई, और पावर दिया हुआ है 40 वाट, यही दिया हुआ है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें वी और आई हो और क्या हो पावर हो। तो वी आई पहला फॉर्मूला, P बराबर वी आई, यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तब पावर बराबर क्या होता है भाई, V इंटू आई। तो यहाँ से क्या है, हमको करंट निकालना है सर्किट में, तो I बराबर क्या है पावर P बाई V। तो P कितना दिया हुआ है भाई, P बराबर 220,
और आई कितना दिया हुआ है भाई, अब नो सॉरी भी कितना दिया हुआ है 200, सॉरी पावर कितना दिया हुआ है, पावर को यहां से आई बराबर बी वाई, तो पावर बाई बी पी वाई भी हुआ, तो पी की जगह कितना होगा 40 वाट और बी की जगह 220। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 22 को क्या करेंगे 4 से करेंगे, तो कुछ इस तरह का आएगा 0.18 एम्पियर आफ्टर सॉल्विंग। तो ये क्या था, छोटा सा एक प्रॉब्लम था, एक एग्जांपल था, इसको एग्जांपल के जैसे आप रखें, समझ रहे हैं। तो ऑन द बेस्ट ऑफ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर बेस्ड था जिसको हम आप कर लीजिए। और क्या है, कुछ यूनिट और यूज होते हैं, जैसे क्या है हम लोग को हॉर्स पावर यूज होते होंगे, किलोवाट आवर के बारे में, इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए कुछ जैसे बहुत सारे कार हैं, बहुत सारे मोटरसाइकिल हैं, बहुत सारे बाइक्स हैं, ये सब का यूज जो होते हैं बाइक यूज, उसमें लिखा होता है कितना हॉर्स पावर का है, इतना सीसी का है, दैट दिस, तो कितना होता है। तो क्या जैसे कोई मोटर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कुछ मोटर होते हैं जो मोटर में भी होते हैं कि इतना 5 हॉर्स का है, 10 हॉर्स का है मोटर है, तो ये हॉर्स पावर का यूज होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर 1 HP, जैसे 5 HP का है हॉर्स पावर, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, इतना होता है भाई, ये भी याद रखना है। ये कहाँ यूज होता है, कोई इलेक्ट्रिकल जैसे मोटर ऐसे में यूज होता है, कुछ कार और दैट दिस कार उड़ में यहाँ भी यूज होता है। किलोवाट आवर क्या है, किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर मतलब होता है यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, क्या यूनिट ऑफ एनर्जी है, किलोवाट आवर क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी होता है भाई, समझ रहे हो। इसका मतलब है कि इसका मीनिंग हुआ कि 1 किलोवाट मतलब क्या हुआ, 1000 वाट, और एक घंटा मतलब 1 आवर में कितना अप्लायंसेस यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट। ये ज्यादा हमको यूज होना होता है कब, जब हम इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, उसमें 1 आवर बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, इसको आप कीजिएगा तो कितना 3 6 1 2 3 2 0, जब इसको क्या करेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 10⁶ जूल, इतना एनर्जी क्या होता है खर्च होते हैं, समझ रहे भाई। तो 1 ये क्या है, ज्यादा कभी भी हम कोई बिल तो 1 यूनिट बराबर भी इतना होता है, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है, दैट हम जब भी हम इलेक्ट्रिक बिल यूज करते हैं उस समय यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और यदि आपको कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इसमें जो आपकी जरूरत हो।